जय हिंद साथियों, मेरा इस तरीके से चेहरा देखकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। मैं इस तरीके से ये वीडियो बनाकर डालना नहीं चाहता था सोशल प्लेटफॉर्म पे। चिकन पॉक्स हुआ है, बड़ा बुरा हाल है, बुखार नहीं उतर रहा, 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर टूटते हैं, सांस तक नहीं आता, बहुत मुश्किल है। पर मुझे मजबूरन ये वीडियो इसलिए डालनी पड़ी क्योंकि माननीय CM साहब 18 को सिरसा आ रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको वायदा किया था सिरसा वासियों को कि जब भी CM साहब सिरसा आएंगे तो हम अपना भूख हड़ताल के रूप में धरना प्रदर्शन रखेंगे ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को हम याद दिला सकें कि आप अपने एक भी वायदे पे खरा नहीं उतरे पिछले 8 सालों में। तो सिरसा की जो मांगे हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेके, बंबूर दिनतानिया माइनर, न्यू मोचियाली माइनर, सफाई कर्मचारी सिरसा के अंदर रखाने हैं, रेड़ी वालों को सही स्थान कोई जगह मुहैया करानी है, और चिट्टा जो दिन प्रतिदिन चिंगारी से आग बन के फैल गया है सिरसा में, उसको किस तरीके से उस पर रोक लगानी है, इन मांगों को लेकर हमने भूख हड़ताल का प्रदर्शन करना था CM साहब के सामने। पर कोई आदमी मजाक बनाए कि ये तो जी एक बार किया फिर नहीं किया, तो उन लोगों के लिए मुझे इस हालात के अंदर मजबूरन ये वीडियो बनाकर डालनी पड़ेगी, और आगे परमात्मा बल दे हम अपना प्रदर्शन जो है अपनी मांगों के लिए वो बढ़िया तरीके से सरकार के सामने करते रहेंगे। और CM साहब किसी भी काम के लिए आ रहे हों, हमें किसी काम से कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो इस चीज़ से आपत्ति है कि जो बरसों पुरानी मांगे हमारी, जो बिल्कुल मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, हम तो वो रेज कर रहे हैं, उसे उठा रहे हैं, हमें उनका सोल्यूशन चाहिए। तो वो सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आप लोग अपना वायदा मत भूलिए, और सिर्फ लास्ट में एक नींव पत्थर रखकर वोट लेने का काम ना करें। जनता अच्छे से सब जानती है, आप सबको समझ चुकी है, और आपका जो फर्ज है, आपका कर्तव्य है, आप भूल चुके हैं। 8 साल में तो आपको याद आया नहीं है, तो आपको याद दिलाने के लिए हमने प्रदर्शन करना था, पर मजबूरी है, और ये वीडियो आपको याद दिलाने के लिए भी है कि हम भूले नहीं हैं सिरसा वाले कि आप किस तरीके से 8 साल से हमें ठगने का काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी इनकी जूं जरूर रेंगेगी, और ये सिरसा वासियों के प्रति अपना फर्ज निभाने की कम से कम कोशिश तो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।